लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना जो है वोटों की गिनती वो 4 जून को होगी, लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट को लेकर घमासान छिड़ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कई सारे सहयोगी पार्टियों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और उसे अपील की कि जो पोस्टल बैलेट के जो मत हैं उनकी गिनती हो वो पहले जब ईवीएम की गिनती शुरू हो उससे पहले पूरी कर ली जाए, जब पोस्टल बैलेट सारे गिन लिए जाए उसके बाद ईवीएम के जो काउंटिंग है उसको शुरू किया जाए। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से ये भी कहा गया कि जो 2019 के पहले नियम था जिस तरीके से गिनती होती थी वोटों की, पहले वो पोस्टल बैलेट गिने जाते थे उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते थे, वही प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, उसी प्रक्रिया का पालन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पालन किया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान भी आया, चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि क्यों पोस्टल बैलेट को की जो गिनती है उसके जारी रहते हुए ईवीएम की जो ईवीएम पे जो वोट पड़े उनकी भी गिनती शुरू कर दी जाती है, जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए और जो चुनाव आयोग की ओर से जवाब आया है, उन दोनों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नियम क्या है ये समझ लेते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए उन लोगों को वोट करने की सुविधा दी जाती है जो सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी पोलिंग में, पोलिंग की प्रक्रिया जो है वोट की प्रक्रिया है उसमें लगी हुई है, इलेक्शन प्रोसेस में जो सरकारी कर्मचारी शामिल हैं उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग वोटर हैं उनको भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की छूट दी जाती है। पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट पड़ते हैं उनकी गिनती भी उसी समय होती है जब ईवीएम के जरिए जो वोट पड़ते हैं उनकी गिनती होती है। 2019 तक ये नियम था, इस तरीके से जो प्रोसेस था वो चलता आ रहा था कि पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाते थे फिर उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते थे, लेकिन 2019 में चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी किया और इसमें बदलाव किया। इस बदलाव के पीछे वजह बताई कि पहले जब ये नियम आया था तब इस तरह की इतने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं पड़ते थे जितने अब पड़ रहे हैं, तो इस वजह से चूंकि अब इसमें बुजुर्गों को भी जोड़ा गया, इसमें दिव्यांगों को भी जोड़ा गया है और पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट पड़ते हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और ये संख्या बढ़ी है, इस वजह से नियमों में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। पहले ये किया जाता था कि जब पोस्टल बैलेट की पूरे गिन लिए जाते थे जितने भी पोस्टल बैलेट से वोट पड़े होते थे उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती थी, लेकिन अब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे के बाद ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या जो है वो ईवीएम के जो वोट होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम होती है, इस वजह से पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पहले ख़त्म हो जाती है और ईवीएम से जो वोट गिने जाते हैं वो देर तक जारी रहते हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस पर जो जवाब दिया गया वो आप सुन लीजिए। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the Act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे, उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPVS भी उस तरीके का नहीं था, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की, सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है, हम भी ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, so on all centers in the country it will start first, no doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are three countings which are happening simultaneously and it is happening, it happened in 2019, it happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी, और क्यों नहीं बदल सकते, बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी, पोस्टल पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम ईवीएम की तरह के चलेगी, जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाए।
तो आपने मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब सुना इस मसले पर, जो विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए गए थे। कल यानी 2 जून को अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत भी की थी। उनसे पोस्टल बैलेट गिनती को लेकर जो अपील की गई थी, उन्होंने क्या बताया था वो भी आप सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो एक्स है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है, और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। तो पोस्टल बैलेट को लेकर जो विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए गए उसके बारे में हमने आपको बताया, जो चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया उसके बारे में भी हमने आपको बताया। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।